एम्पियर भी कंज्यूम होने लगा, मतलब ये जॉब डन हो गया। अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कैसे हैं आई होप अच्छे होंगे। तो हमारे पास एक फ़ोन है रेडमी का 9A9। तो गाइज इसमें जो प्रॉब्लम है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, इसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम है गाइज। तो चलिए मैं डाटा केबल लगाता हूँ और यहाँ पे हमारा स्कीमेटिक पोर्ट है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम क्या है। चलिए लगाइए इसको। तो देखिए हमने चार्जिंग पिन पे लगा दिया हुआ है, सब कुछ सही है गाइस, और यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी एम्पियर शो नहीं कर रहा है गाइस। तो मतलब कहने का मतलब से चार्जिंग का फॉल्ट है, तो हम इसको फुल ट्रेसिंग बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट इंड तक देखिएगा, मैं आपको जितना हो सकता है कोशिश करूँगा कि आपका फ़ोन बन जाए गाइस। तो चलिए इसके सोल्यूशन पर हम चलते हैं। यहाँ पर मैंने चार्जिंग पिन लगाया हुआ है, कोई भी ये कनेक्टर भी लगा हुआ, सब कुछ है, कोई फेक वीडियो नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं हो रहा है। तो वीडियो को लास्ट इंड तक जरूर देखिएगा, मैं इसका एंडलेस सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपका 110% आपका हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। ये नहीं कि यहां से जंपर मार दो वो मार दो, क्यों मारना है उसका रीजन मैं बताऊंगा। वीडियो को लास्ट दिन तक आप जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा ये पत्ता है, जो स्ट्रिप है, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, इनपुट वोल्टेज हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने ये भी चार्जिंग लगाया हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रखा हुआ है ये हमारा बीबस। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ 5 वोल्ट आ रहा है, मतलब हमारा इनपुट वोल्टेज हमारा आ रहा है, हमारा सीसी से हमारा ये वोल्टेज आ रहा है गाइस। तो चलिए अब हम आगे चेक करते हैं, इसके ट्रेसिंग में चलते हैं। तो हम बोर्ड को उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे बोर्ड को हम उस तरफ, क्योंकि इसका जो चार्जिंग सेक्शन है गाइस इसका उस साइड में है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप, बेसिकली अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये देखिए ऊपर देखिए इसका चार्जिंग का सेक्शन है गाइस। ये इतना पोजीशन जो आप देख रहे हैं, इतना पोर्शन जो आप देख रहे हैं इसका, ये चार्जिंग का सेक्शन है। तो हम इसको चार्जिंग के सेक्शन में आपको क्लियर बताने वाले हैं गाइस कि इसको कैसे आपको फाइनली ट्रेस करना है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको चेक करना है। तो चलिए फटाफट मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा गाइस कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये हमारी OBP IC है। जैसे कि मैं आपको बता दूं ये हमारी BQ लगा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इनपुट देखना है कि हमारा इनपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमारी OBP IC है, ओवर प्रोटेक्शन IC, जैसा कि मैं आपको बता दूं ये अगर सही नहीं होगी गाइस तो भी हमारा इनपुट यहाँ पे VQ को नहीं मिलेगा। सबसे पहले ये इनपुट का ये कैपेसिटर आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस कैपेसिटर पे आपको 5 वोल्ट चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे कैपेसिटर जो दिखाई दे रहा है, इस कैपेसिटर पे भी 5 वोल्ट चाहिए, जो कि इनपुट। अगर इनपुट आ रहा है गाइस तो मैं यहाँ पे फुल डिटेल के साथ आपको बता रहा हूँ, अगर आपका इनपुट आ रहा है तभी हमारा ये VQ सेक्शन काम करेगा सारा। डीप नॉलेज के लिए आप ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी मैं यहाँ पे कुछ पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो ये हमारी जो IC लगी है यहाँ पे आपको देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा ओवर प्रोटेक्शन IC लगी हुई है, ये हमारा VQ लगा हुआ है, ये हमारा चार्जिंग का सेक्शन है गाइस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 5 वोल्ट चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे गाइस यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो हम प्रैक्टिकल में दिखाएंगे, और नहीं आएगा अगर ये सब कुछ आ रहा है तो हमें VQ पे भी काम करना होता है। VQ में हमारा देख सकते हैं इसके लिए ये बूट कैपेसिटर होता है, जो कि अभी ये पूरा डीपली नॉलेज आपको मिलेगा ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करने के बाद। ये बूट कैपेसिटर कैसे काम करता है ये सारा कुछ मैं यहाँ पे वोल्टेज आपको दिखाने वाला हूँ, और ये मेरा आउटपुट का कैपेसिटर है गाइस। तो ये आपको डीप नॉलेज, ये नहीं कि सारा जंपर ये वो करना है, सब कुछ भी नहीं है, मैं आपको लाइव सब कुछ दिखा रहा हूँ, सब कुछ आपको बता दिया। अगर आपकी VQ सही होगी तो आउटपुट मिलेगा, VQ नहीं सही होगी तो आपको VQ चेंज करना है गाइस। उसमें आपको 1.8 SDSL की लाइन देखनी होती है। फिलहाल मैं आपको एक इंडलेस सोल्यूशन बता दे रहा हूँ, बाकी आपको डीप नॉलेज चाहिए तो आप ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट जितना मैंने बताया फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ। सबसे पहले इस वाले कैपेसिटर पे आपको देखना है 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर ये हमारी OBP IC सही होगी तो हमारा आउटपुट भी निकालेगा गाइस। अगर हमारा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर ये सही बात आउटपुट निकालेगा और यहाँ पे भी EN हमारा 5 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर इस IC को 5 वोल्ट मिलेगा, IC सही होगी तो हमारा यहाँ पे आउटपुट भी निकलना चाहिए। तो चलिए इतना फटाफट देख लेते हैं। तो देखिएगा मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे चार्जिंग लगाया हुआ है गाइस। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ सबसे पहले जो मैंने आपको वो बताया था, तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख रहे हैं 5 वोल्ट हमारा आ रहा है, थोड़ा यहाँ पे दिखाइएगा, तो ऊपर दिखाइएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस हमारा 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। अब अगर ये IC सही होगी, अगर ये IC सही होगी तो हमारा 5 वोल्ट इस कैपेसिटर पे आना चाहिए। चलिए देखते हैं कि इस कैपेसिटर पे भी हमारा 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा गाइस। तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे हमारा कोई भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है, दिखाइएगा यहाँ पे हमारा कोई भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। तो गाइस कुल मिला के सबसे पहले हम OBP को चेक करेंगे, OBP पे काम करना है, या आप OBP को जंपर भी कर सकते हैं, या OBP को आप बाईपास भी कर सकते हैं गाइस। तो फिलहाल हम OBP को देखेंगे और OBP पे काम करेंगे, और यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट आना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आएगा तो BQ हमारा काम नहीं करेगा गाइस। तो सबसे पहले यहीं पे हम देख लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आ रहा, EN हमारा नहीं आ रहा, तो हमारा BQ सेक्शन काम नहीं करेगा और हमारा आउटपुट नहीं निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम काम करते हैं अपने OBP IC पे। तो
चलिए गाइस हम OBP IC को निकाल लेते हैं। OBP IC को हम यहाँ पे निकाल देते हैं गाइस, और निकालने के बाद हम यहाँ पे OBP को बाईपास करेंगे गाइस। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे OBP को हम यहाँ पे बाईपास करने वाले हैं। तो चलिए तो गाइज आपको जंपर यहाँ पे आप चाहें तो OBP को लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो आप OBP को बाईपास भी कर सकते हैं गाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी 1, 2, 3, 6 और 12 बॉल की IC थी यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं, ये पिन और ये पिन आपको शॉर्ट कर देना है। आप तीनों को भी शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो केवल ये पिन और ये पिन आपको शॉर्ट कर देना है तो भी हमारा ओवर प्रोटेक्शन IC होती है ये OBP IC, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट कर दिए, बोर्ड में हम फिक्स करेंगे और देखेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। और मैंने जो आपको बताया था कि वहाँ पे आउटपुट भी निकलना चाहिए, और BQ आपका अगर सही होगा तो आउटपुट निकलेगा, अगर BQ भी सही नहीं होगा तो हम यहाँ पे अभी फिलहाल ये देखते हैं कि इनपुट वोल्टेज यहाँ पे इस वाले कैपेसिटर पे मिल रहा है कि नहीं गाइस। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो गाइस चलिए अब हम देखते हैं हमारा यहाँ पे उस कैपेसिटर पे हम देखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ। तो चलिए गाइस जो हमने OBP मारा है, देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले इस वाले कैपेसिटर पे आपको 5 वोल्ट आना चाहिए। अब तो यहाँ पे रखा हुआ है और ये देख सकते हैं गाइस हमारा यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब IC अगर ये सही होगी गाइस, BQ हमारी सही होगी, तो इस वाले कैपेसिटर पे हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो देखते हैं आउटपुट हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है। अब चलिए बोर्ड में देखते हैं कि क्या हमारा चार्जिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब इसे हम कंप्लीट करते हैं और एक बार हम चार्जिंग को लगाते हैं फिर से। और ये देख सकते हैं गाइस, जो अभी कोई भी बूट नहीं कर रहा था, और ये देखिए हमारा रेडमी लिख करके आ गया है। और यहाँ भी देखेंगे एम्पियर भी हमारा कंज्यूम होने लगा है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारा चार्जिंग भी आ गया और यहाँ पे 1.8 एम्पियर भी कंज्यूम होने लगा। मतलब ये जॉब डन हो गया। अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।